हेलो, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों ने जो कुछ भी कमेंट किया है, मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है ना। काफ़ी दिन से मैंने आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई मैंने नहीं दिया था, और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनको आप चाहो तो भी रिप्लाई नहीं दे सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग दो तीन जो मेन मेन कमेंट है, सिर्फ उसी के बारे में मैंने आप लोगों को रिप्लाई देना चाहा है। जिसमें से सबसे कमेंट पहला है कि बी बॉस का जो आपका मार्कशीट है वो कब तक आ जाएगा, फाइनल बता दो भाई, ठीक है। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि हर एक जो ऑफिसेस वगैरह हैं बिहार में, अभी जो कोविड है वो थोड़ा सा मतलब उसका ग्राफ गिरना कम हुआ है, लॉकडाउन लगा है उस समय से, ठीक है ना। तो मैंने अभी बताया था कि मतलब आपका जो मैंने मार्कशीट है 15 से 25 के बीच में ऐसा आ जाए, कोई ऑफिशियल नहीं आया है, बट अनुमान लगाया गया है। जो जो बहुत सारे ऐसे टीचर वगैरह हैं जो जिन्होंने कि बी बॉस का फॉर्म फिल करते हैं, और वो बी बॉस का स्टडी सेंटर में एज ए स्टाफ वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्हीं लोगों ने बताया है, कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों का भी प्रिडिक्शन सही ही हो सकता है। हाँ, 5 मंथ होने वाला है भाई एग्ज़ाम को, बी बॉस वाला मार्कशीट कब तक आएगा। हाँ, तो देखो ओपन बोर्ड में जो है ना वो देर तो होगा ही, आपको चले आप जाइए कोई भी तो ओपन वहाँ बोर्ड में पर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब देर होगा ही। आप वेदर इट इज NIOS में भी आप देख लो, NIOS वालों के साथ क्या हो रहा है। उन लोगों को 20 मई को बताया गया है कि 20 मई को हम लोग नोटिस देंगे, और हालांकि एग्ज़ाम जो है वो 110% कैंसिल होगा। अभी एग्ज़ाम लेना पॉसिबल है ही नहीं, और अगर वो लोग पोस्टपोन्ड करते हैं तो पोस्टपोन करने के बाद फिर उनके पास अगला सेशन का जो एग्ज़ाम है वो उसके लिए टाइम नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो और कोई रास्ता ही नहीं, आपका जो एग्ज़ाम है वो 110% कैंसिल ही होगा। 5 मंथ होने वाला है एग्ज़ाम। अच्छा, ये हो गया। हाँ, देव पास करवा जय दीजिए, पास पास करवा दीजिए, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, NIOS भी कैंसिल होगा। अच्छा, मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ इस पे, तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है तो फिर। अच्छा, मतलब आई थिंक भाई जो है वो बोल रहा है कि एग्ज़ाम बिना होवे ही पास करो, तो हाँ ऐसा मतलब काफ़ी चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम ना हो और आप पास हो जाइएगा, ठीक है। फिर NIOS के बारे में ही बोला गया है कि NIOS का जो एग्ज़ाम है वो कब तक कैंसिल होगा, मतलब सारा कुछ। तो 20 मई को इन लोगों ने नोटिस दिया है, बट आपको 20 मई से पहले ही सारा कुछ हो जाएगा, आप उसके लिए टेंशन ना लो। फिर है बी बॉस ORG साइट पर कोई मॉडल पेपर मिला ही नहीं। नहीं, बी बॉस का जो बी बॉस आप मॉडल पेपर लिखोगे तो वहाँ पर आएगा, और वहाँ पर सारा कुछ जो है वो दिया हुआ है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आपको बी बॉस का मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। हाँ, अब जो है सबसे लास्ट पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको जो वो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो पॉइंट ये है कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अमन धतरवाल भैया का जो नोट्स है वो फिजिक्स वाला वो हेल्पफुल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। मतलब मैं एज ए स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट था तो मैंने उसी में बताया था कि ये वीडियो ये मतलब उनका फिजिक्स वाला नोट्स है वो हेल्पफुल है या फिर नहीं है, और मैंने उसका चैनल पर रिव्यू भी दिया था, ठीक है। वो नोट्स अभी भी मेरे पास है वहाँ पर, तो मैंने उसका रिव्यू भी दिया था, और रिव्यू देने में बताया था कि हाँ आप इस जो नोट्स है आप उसको ले सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उस पे मैंने बहुत सारा जो कमेंट आ रहा था वो ये आ रहा था कि आप जो है अमन भैया के नाम तो से रिव्यू मेरा ले रहे हो। पर्पस वैसा कुछ भी नहीं था भाई, ठीक है ना। मैं उनका मतलब मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का मैं 9th और 10th, ठीक है, मतलब फिजिक्स का मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ के ही पास हुआ हूँ, फिजिक्स का मुझे PB सही से नहीं आता है, और अभी भी फिजिक्स मेरा सबसे ज़्यादा वीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैं PCB का स्टूडेंट हूँ बायोलॉजी का, ठीक है ना। तो उसमें फिर मैंने उनका सबसे पहला एक यूट्यूब पे वो वीडियो था कि हाउ टू बी ए सक्सेसफुल यूट्यूबर, ठीक है ना, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बने, तो मैंने वो वीडियो देखी थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब सर्च करते रहता था कि फिजिक्स बेस्ट नोट्स यूट्यूब पे, गूगल पे, और भी बहुत सारा
मतलब सारा कुछ सर्च करते रहे, एट लास्ट द एंड मतलब उनका मुझे जो है वो नोट्स मिला, जो कि अभी शायद अवेलेबल नहीं है वो इंटरनेट पे, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो वो नोट्स मैंने लिया, ठीक है। और वो नोट्स मतलब आप ट्रस्ट नहीं करोगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी या फिर कोई भी बुक नहीं हो ना, और आप अगर 12th के एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपके लिए वो नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसमें सारा कुछ इजी वे में, इजी लैंग्वेज में सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, एवरीथिंग। एक मिनट, मैं वो नोट्स आपको यहाँ पे ला करके दिखा ही देता, ठीक है ना। तो ये जो उस समय उन लोग उन्होंने एक प्ले स्टोर मतलब प्ले लिस्ट बना करके उसी पे उन्होंने पब्लिश किया था, और बोला था कि आप इसे जा करके मतलब निकलवा सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। तो मैंने ऐसा सारा कुछ बना दिया था, और ये ज़्यादा मतलब मोटा भी नहीं है। जो एनसीईआरटी का आपका क्लास 12 का बुक है, उसका जस्ट मतलब एक भी जो बुक है उसके बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो आप मतलब देख सकते हो, मे बी आपको दिखे या ना दिखे, सारा कुछ मतलब इजी लैंग्वेज में ग्राफ, मतलब अगर मैं एनसीईआरटी का चक्कर में रहता, ठीक है ना, तो मेरा सारा फिजिक्स बर्बाद हो जाता। और मैं फिजिक्स में मतलब अभी भी मैंने बोला कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा तेज हूँ। फिजिक्स में मेरा तो आई मार्क्स थिंक आया था थ्योरी वो में जो शायद 48 आया था, 70 मार्क्स का होता है ना फिजिक्स, शायद मुझे नहीं पता, बट 48 आया था, जो कि सारा सब्जेक्ट का नंबर एक तरफ और फिजिक्स का नंबर एक तरफ आप समझो, ठीक है। तो मेरा वो वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही था कि मैं आपको बताऊं कि हाँ, ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल। आज से शायद 2 साल पहले वो जो नोट्स था वो अवेलेबल था उनके चैनल पर, आई थिंक, ठीक है ना। वो जो नोट्स था उनके चैनल पर अवेलेबल था, और अब नहीं है वो नोट्स, अवेलेबल ही नहीं है वो नोट्स। तो मैंने वो वीडियो 1 साल पहले बनाया था, शायद 1 साल पहले या 8 महीना ऐसे ही कुछ है। तो मैंने उसी से मैं बताया था, और ये नोट्स का मैं रिव्यू दिया था। अभी भी ये नोट्स मेरे पास है, और अभी भी ये नोट्स मेरे पास है, और मैं इसको मतलब बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हूँ। अगर आगे किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसको दे सकता हूँ, क्योंकि सिलेबस वगैरह तो चेंज होता हुआ नहीं है, है, उतना ठीक है ज़्यादा ना। मतलब टॉपिक वगैरह उतना ज़्यादा चेंज नहीं हो। तो एट द लास्ट में फिर से बोले कि काफ़ी मतलब अच्छा नोट है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। और मैंने न्यूमेरिकल वगैरह पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया था इस नोट पे। मैं सारा कुछ मतलब मेरा फिजिक्स में सिर्फ यही मोटिव था कि हमको पास होना है, पास, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने सारा कुछ थ्योरी जो था वही सारा कुछ मैंने पढ़ा था। ओके, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।